हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय न्यू व्लॉग। तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ, तो अभी रेडी हो चुकी हूँ। देख रहे हैं, मैंने गोल्फ फ्रॉक पहना है। अभी मैं जा रही हूँ बिसु बाबा का थान में, अपने मैके आई हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा थान है जो कि गाय, और जो गाय वो पोसते हैं उसको दूध चढ़ाने के लिए, बहुत बड़ा थान है। यहाँ पे एक बार मन्नत मांगने के बाद वो पूरा हो जाता है। तो जो भी पूरा होता है वो आते हैं दूध चढ़ाने के लिए। वो बहुत बड़ा थान है, हम लोग वहीं जाने वाले हैं। दही चूड़ा खाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। घर से मैं बहुत कुछ लेके जा रही हूँ खाने के लिए, सब्जी वगैरह। वहाँ पे दही ऐसा मिलता है एकदम लस्सा टाइप का, और हाथ से छूटता ना, आप खाएंगे ना याद करेंगे कि दही मैंने खाया था, लोहा लगाऊ। तो जिसको खाना है दही चूड़ा लोहा लगाम, जरूर आइए अभी सुबह के थान पे। अभी मैं आपको वही सब दिखाने वाली हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। इधर मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, हूँ हाँ कर रहे हैं, सो रहे हैं, एकदम नींद में है, गहरा नींद में है। अभी दिखा रहे हैं, फिर आप नींद से जाग गए। देख लीजिए, इधर मेरी मम्मी जी हैं। आइए मैं आपको मम्मी से मिलाती हूँ। ये मेरी माँ है, सासू माँ से तो मिलती रहती है। सासू माँ से तो आपको, आप सबको मैंने मिला ही दिया है। ये मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। ये मेरी माँ है। मेरे पांच भाई है, मैं सबसे छोटी हूँ, और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे पांच भाई हैं और कुल मिला के मैं छह भाई बहन हूँ। तो सबसे छोटी मैं, मेरा शादी हो गया है। और ये मेरी माँ है और ये मेरा भतीजा है, आयुष नाम है इसका, ये सबसे बड़ा है। और इधर मेरी भाभी जी है, और ये मंजली भाभी है, इधर तक ये भाभी। ये मंजली भाभी, हाय कर दीजिए भाभी। देखो तो भाभी थोड़ा नर्वस है, नर्वस नहीं, भाभी को थोड़ा शर्म आ रहा हाय करने में। कोई बात नहीं, तो चलते हैं बिसु बाबा का थान, फिर दिखाते हैं आपको। माँ जा रहे हैं, चलिए। तो अभी घर से निकल गए हैं। आप जब बिसु बाबा का थान जाएंगे तो आपको एक पोखर मिलेगा छोटा सा, इधर देख पा रहे होंगे। ये है पोखर, पानी दिख रहा है। और यहाँ देख लीजिए, पानी इतना अच्छा है, बाप रे, आपको बहुत मजा आएगा शायद आप नहाएंगे तो। ये बाढ़ वाला पानी है, अभी इसमें मछलियाँ चल रही है, पल रही है। तो बाढ़ वाला पानी में मछली ही पलती है, और ये मछली जिनको खाना होता है वो लेके जाते हैं खा लेते हैं। तो अभी जा रहे हैं डुगू। हाँ। चल दिया ना, हम लोग जाने वाले हैं अभी बाबा विश्वनाथ मंदिर, वहाँ जाके काजल जो है पूरा एक्सप्लोर करेगा। जो स्पेस है इधर पूरा दुकान लगता है, यहाँ से लेके पूरा इधर भी जगह नहीं मिलता है, पूरा खाली रहता है हमेशा। अंदर के लिए दही मिल जाएगा ना, दुकान तो हमको लग नहीं रहा है। मंदिर के लिए आए हैं, दुकान मिलता है उतरी। तो आ गए हैं बिसु बाबा का थान, पहुंच गए ना। चलिए दिखाते हैं मंदिर आपको। चार्ज तो है, नहीं ये दिखाएं। देखिए आगे जो देख रहे हैं ना, ये कुआं है समझे, और ये जो भगवान जी का मेन द्वार है, और ये मंदिर है, और उधर देखना एक छोटा मंदिर है, पूरा एकदम
और ये बरगद का पेड़ यही है। और इस मंदिर के साथ एक नया मंदिर फिर बन रहा है, काजल देखिए बताने वाली है। अरे वाह, ये जो देख पा रहे हैं ये है कुआं, और यहाँ पे जो अंदर जाते हैं इसको पैर धो के पानी, ये पैर धोने के लिए पानी है और पूजा करने के लिए इस पानी से पैर धो के इधर दर्शन करने के लिए जाते हैं। बस पूरा कह दो रहा ना, पूरा ऊपर से तो ये हमारा बाबा विश्वनाथ, दूध यहीं पे चढ़ाया जाता है। अगर हमारी वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं तो ज़रूर आइएगा, यहाँ पे कुछ भी आप मन्नत मांगो ज़रूर पूरा होगा। पूजा इसी में होता है, दूध इसी में चढ़ाया जाता है, जितने भी लोग आते हैं यहाँ दूध यहाँ डालते हैं। कहाँ जाते हैं दूध? अंदर से कोई वो है, वो क्या कहते हैं, इधर देख पा रहे हैं, सुरंग से अंदर चले जाते हैं, और वो जिनको ले जाना होता है प्रसाद के रूप में वो लेके चले जाते हैं, और उसे वो बना के दही या और कुछ बना के खाते हैं। अगर मंदिर के बगल में क्या है? और ये देख पा रहे होंगे इतना ठंडा ठंडा हवा भी आ रहा है इधर, और इधर देख लीजिए पानी, बाढ़ का पानी है, बाढ़ आता है तो पूरा भर जाता है यहाँ से लेके पूरा इधर, यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ रहता है, तो अभी ख़त्म हो गया बाढ़, तो अभी पानी चला गया, ये पानी रह के ऐसे सूख जाएगा, पानी रहा यहाँ आ जाता है ना। हाँ, ये इधर ऊपर जाने का है मंदिर के ऊपर, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सारे वो खुरपाती दिमाग वाले होते हैं, क्या पता गिर जाएंगे तो उनको चोट लग जाएगी, इसलिए लॉक करके रखते हैं, वहाँ पे ताला लगाया गया है। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एक देख पा रहे हैं डुगू मेरे बहुत ज़्यादा खुश हैं, इधर एक मंदिर और बन रहा है, इधर काम ही हो रहा है अभी, हाँ फ्रीज नहीं हुआ है, इधर देख लीजिए तो बढ़िया है, मस्त है। और व्लॉग हमारे पूरा कंटिन्यू देखिए, और हम लोग अब जा रहे हैं, इतना ही सा मंदिर है, हम लोग जा रहे हैं दही चूड़ा खाने के लिए, है तो बहुत बड़ा, उधर छोटा छोटा मंदिर और है, उधर बन रहा है ना, हाँ इधर बन रहा, थोड़ा सा दही चूड़ा खाएंगे काजल के संग, तो चलो दही चूड़ा किधर खाना होगा? उधर नीचे दुकान सब है ना। तो वहाँ पे खाना होगा ना, हाँ ठीक है, तो हम लोग चलते हैं दही चूड़ा खाएंगे, तो दही चूड़ा खाने वाले हैं, दही चूड़ा खाएंगे, यहाँ का दही चूड़ा फेमस है, और दही जब खाइएगा ना याद जरूर करिएगा, चलिए दही चूड़ा खाते हैं। ये छोटा सा मंदिर है बजरंगबली का थान है, यहाँ पे दूध चढ़ाने के लिए आते, तो इधर भी छोटा सा ही मंदिर है लेकिन फेमस मंदिर है, आप लोग आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे दर्शन कर लें। जय बाबा बजरंगबली। इधर ये छोटा सा मंदिर है, और ये बहुत बड़ा पेड़ है, गाछ देख लीजिए, और एक मंदिर इधर है, चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देख पा रहे हैं दूध यहाँ पर भी चढ़ाया जाता है, पाँच छः ठो मंदिर है, एक बड़ा मंदिर है, ये मंदिर है, दूध किसी को चढ़ाना होता तो इधर भी चढ़ाते हैं।
और ये एक मंदिर ये है, शायद यहाँ पे पूजा नहीं होता है, ये बस ऐसे ही बड़ा सा है। सब कुछ तो मैंने दिखा दिया, आप चलिए दही चूड़ा खाते हैं फिर घर की ओर जाएंगे। कहाँ से वो बोला? इधर कहाँ जा रहे हो? उधर कहाँ जा रहे हैं? वो फंसे हुए अच्छा से। काम कब बोले? यहाँ नहीं मिले जाए? नहीं इधर। यहाँ मिले जाए? हाँ शायद। बंद कर दिए, वो टाइम लग रहा था। बोल लीजिए। तो आप चलते हैं दुकान दिखाओ थोड़ा। आओ, ये सब क्या है? बतासा है। दिखाइए दही, दिखाइए हमको पहले। वहाँ दिखाओ। दही बढ़िया मिल जाएगा। पूरा कब का है? परसों। परसों का दही है। परसों का है? परसों जैसा तो नहीं लग रहा। तो कब का लग रहा है? ज्यादा दिन का लग रहा है। दिख रहा नहीं? दिख रहा नहीं। खट्टा हो? दही चेक कर ले। बढ़ गई है। क्या लाइया ऊपर से दिखा? सब्जी। इसमें क्या है? सब्जी ला। चलो ठीक है, तैयार है। दही में क्या लगा? एक मीठा ले लो, देखो ताज़ा बन रहा है। हमको पानी मस्त। लड्डू कैसे दिए भैया? हाँ, पीस कैसे दिए? आइए ना, ब्लॉग भी बना रही है। दही खाएंगे हम लोग मिलके। क्या पूछ सकते हैं? इसको पहले धोते हैं फिर खींचेंगे अच्छे से। भैया मिठाई भी दीजिएगा, एक पाव। एक पाव बड़ा गर्म है जी। और दही छाली मत दीजिएगा, छाली में थोड़ा थी अच्छा नहीं लग रहा देखने में। अच्छा वाला दीजिएगा दही। पूरा धोइए डालेगी क्या? हाँ डुबो। पानी? पानी फेंकेंगे कभी तो। हाँ बहुत बढ़िया, मजा आया खाने। घर में कैसे खाए थे उस दिन जो खाए? हाँ पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। उस दिन जितिया के दिन खाए थे ना, जितिया दिन दही खींचे खींचा था। एक डिब्बे वो डिब्बा है ना बड़ा बड़ा, एक डिब्बा से एक। आप भैया बहुत कमाल की बात करते, थोड़ा बैठ जाइए। आपकी मीठी आवाज निकल। ना भाई, आपसे सहमत है आपकी बात से ना, हम पूरा सहमत हैं। ये भैया बोलते क्या, औरत लोग है ना वो बिना मार खाए नहीं रह सकता। अच्छा तो मार खाए रह सकता है औरत को? देखिएगा महीना में एक बार भूत चढ़ जाएगा। अब कितनों पर रख लीजिए? पंद्रह दिन में, सप्ताह दिन में ले। वो देखो वो भी सही बात है, भैया भी चालू हो गए। सब उन्हीं का साथ। हम तो कहते हैं आठ दिन में भूत चढ़ जाता है। ईमेल जाने में थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन फोन जाने में लेट नहीं होगा। नहीं नहीं ऐसे ही। हम तो आज तक नहीं फोन किए, मेरे घर में झगड़ा हुआ है। तू बना दिया? हो गए करेगा। चलो ठीक है, इसको तो डुबाओ, कितना मस्त है ना। इसको चढ़ाएंगे डुबो। पता तो खराब हो गया भैया, दूसरा पता देंगे। रुमाल ले ला है? हाँ तो ठीक, दही दे दीजिए भैया। पूरा 50-50 करना भाई, बराबर का हिस्सा लेंगे इस बार। और लो बराबर ज्यादा दे दिया। पूरा मक्खन है ना कड़ू? यस, उसको उधर हिल नहीं रहा मक्खन। इसको बोलता दही क्या? और इसको बोले सब्जी और मिठाई भी दे दीजिए भैया जल्दी से, खाली खींचना ना। देखो तो
मस्त है ना, टूट भी नहीं रहा। मस्त अच्छा, बिना जो है ना क्या बोलते हैं, तो रहा नहीं जा रहा हमको, ठीक है तो चख ले। बिना चखे रहा नहीं जा रहा। चिल्ली लगवे करे। बस 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 चिल्ली लगने दे। और लगेगा चिल्ली, खट्टा होगा शायद। खट्टा है ना? हाँ हल्का खट्टा तो है थोड़ा। पानी नहीं है भैया दही का? अरे बस बस थोड़ा पानी भी दे दीजिए। थोड़ा सा उनको रहा नहीं जा रहा, थोड़ा सा उनको खींचने को, ठीक ना? मिठाई थोड़ा जल्दी दीजिएगा, हाई वाला दीजिएगा। एक बार मिठाई भी दिया, एक पाव दे दीजिए, एक तो मत दीजिए। हल्के दीजिएगा भैया, ज़्यादा उनको भी दीजिए। नहीं 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 ले लीजिए, अच्छा लगेगा डुबो। ये क्या है? पानी है। दही का पानी। खाना खत्म हो जाएगा भैया तब ले आइएगा मिठाई, क्या थोड़ा जल्दी ले आइए। वो ना पिएगा तब ना, वो आप अपने करता है। किसको किसको खाना है दही चूड़ा, कमेंट करिए और भी सुवाक ठान आइए। पटी तुम्हारे तरफ से? हाँ इधर। क्या नाम पर है नहीं समझे? मिठाई लड्डू बना के नहीं देंगे ऐसे ना? ना लड्डू बना दीजिए। भूल जाओ, घर में खाएंगे थोड़े हो ना। ये देख लीजिए मिठाई कितना है, एक पाव। इसमें भिंडी का सब्जी है और करेला का। खाइए लड्डू खाइए। मस्त घूम रहा है दिमाग इनका। ठीक है आप खाना बड़ा नस्ते खाए ये तो मन भर गया। दही की अकाल नहीं है ना, आप खाया है तो सभी लोग ध्यान उसमें। अब बंद करते हैं, खाते हैं डब। चल चल हो गया मेरा पानी कैसे वैसे ढकार के पी लो। ढकार इतना बर्बादी कर दिया काजल, मीठा है। चलो उसको ले लेते हैं इसमें। हाँ इसका ढक्कन जाएगा और तो जाना चाहिए, ढक्कन दे दीजिए। तो चलिए खाना स्टार्ट हो गया, हाथ धो लेते। खाना हो गया ना दुगु? तो चलिए अब चलते हैं, पूरा खाना और चाड़ के पेट देख रहे हैं पूरा हो गया है अब जो डुबू। हाँ दही चूड़ा खा लिए हैं अब चलते हैं घर। इसको प्रसाद भी लिया ना, डिक्की में रखना है। हाँ डिक्की मत रखो, हाथे में रख के लेके जाओ। हाँ हाँ
हाथ में कैसे हो? धूप अपने लग रहा है। चल 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 डर खुला क्या करती ऐसे है ना नॉर्मल आसमान अंग्रेजी क्या ढारना है चलिए गाड़ी चलाइए मैडम हम ही चला तो आप तो डीएम साहब है चला गाड़ी चला आप तो हम ही चला साला ठोक देगा कहीं हे हम जला रहे हैं आप स्टार्ट करिए दूर सच्ची में हम चलाएंगे हां वही पकड़ना पड़े इसको धूप लग रहा है तो फाइनली खाना हो गया है अब निकल गए वहां से यहां तक ब्लॉग देखने में कैसा लगा है देखने में अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन दबाना जरूर भूलिए भूल गए क्या बोल रहा चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिए ठीक है और यहाँ ब्लॉग में बने रहिए ब्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है दिखा 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 दो ये देखिए क्या है गरुड़ उड़ गया उड़ गया उड़ गया वो बड़का लोल वाला था तो अभी जा रहे हैं घर 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 जा रहे हैं ये हमारा स्कूटी यहाँ तक वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करिएगा काजल इतना सपोर्ट काजल इतना मेहनत कर रही है हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं यहाँ तक ब्लॉग कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलता है बोल ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक वीडियो कैसा लगा लाइक करिए फॉलो जरूर करिएगा आप भी करिए और आप भी देखिए और आप भी सब्सक्राइब करिए आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए तब तक के लिए बाय टाटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में